बहुत से लोगों के मन में जो भ्रांति बैठी हुई है कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो खुद का नहीं होता है, किसी और के स्पर्म से जो है बच्चा बना के जो है तैयार किया जाता है, या फिर इस तरह के बहुत सारे मतलब लेडीजों के मन में या फिर लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, मिथ्स होते हैं, गलत धारणाएं होती हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगी क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये सब गलत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक जरूर बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मोटा मोटा मैं बता दूं कि IVF क्या होता है और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, और इस पे डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे इसी चैनल पे देख भी सकते हैं, दोनों पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो जरूर आप देखें अगर आप IVF करा रही हैं या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कर रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि IVF क्या होता है और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, मोटा मोटा दोनों के बारे में हम जानेंगे। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब औरत का शरीर सक्षम नहीं है कि अंडे और स्पर्म का मेल हो सके, जब वो दोनों मिलेंगे तो उसके बाद ही भ्रूण तैयार होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण तैयार होगा। अब फर्टिलाइजेशन का काम नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, तो सक्षम नहीं है महिला का शरीर, तो ऐसे में क्या किया जाता है, महिला का ओवम यानी कि अंडा और पुरुष का स्पर्म लेके शुक्राणु लेके लैब में उन दोनों को मिलाया जाता है, और उसके बाद उसको डायरेक्ट जो है महिला के बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है ताकि वहां पे वो ग्रो हो सके, इम्प्लांटेशन का काम वहां पे अच्छे से हो सके। दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि महिला का शरीर तो मतलब कि उन दोनों का मेल तो हो पा रहा है, ट्यूब में दोनों का मेल तो हो पा रहा है, स्पर्म और ओबम का मेल तो हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन का काम हो जा रहा है, पर जो है बच्चा जो है उसके बाद ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि अंदर उसको फिर लुढ़क के यूट्रस में आना होता है, जब उन दोनों का मेल हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसको लुढ़क के जो है आपके यूट्रस में आना होता है, तो वो किसी भी कारणवश अगेन महिला का शरीर सक्षम नहीं है और वो लुढ़क के यूट्रस में नहीं आ पा रहा है और वहां पे ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि पुरुष का स्पर्म लेके शुक्राणु लेके महिला का ओवम लेके जो है लैब में जो है दोनों को फर्टिलाइजेशन करा के मेल करा के और उसके बाद जो है उसको भ्रूण तैयार करके जो है उसके बाद जो है बच्चेदानी में डाला जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी आगे ग्रो हो सके। तो यही होता है, अगर देखा ये जाता है दोनों की क्वालिटी देखी जाती है, अगर ओबम की क्वालिटी खराब है तो इसमें भी ट्रीटमेंट चलते हैं, स्पर्म की काउंट सही नहीं है तो भी इसमें ट्रीटमेंट चलते हैं जो कि पुरुष को लेने होते हैं, महिला को भी लेने होते हैं अगर स्पर्म सॉरी ओबम उसके कमजोर हैं, तो दोनों का ट्रीटमेंट चलता है। अगर फिर भी मतलब काउंट सही नहीं है स्पर्म का या फिर ओबम का, तो ऐसे में जो है डोनर का तब लेना होता है जब जो है ये चीज फेल हो जाता है कि भाई ओबम किसी काम का नहीं है या फिर जो स्पर्म है वो उसके काउंट सही नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तो तब डोनर का यानी कि अगले बंदे का लेना होता है स्पर्म या फिर ओबम, जो भी डोनर है उसका हमें लेना होता है, जो भी कमजोर है दोनों में से तब लेना होता है। अदरवाइज कोशिश यही की जाती है कि अच्छे से हो पाए, पूरा ट्रीटमेंट देके अगर कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाया जाता है स्पर्म को, या फिर ओवम कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाया जाता है। बहुत से लोगों के मन में धारणाएं रहती है कि भाई वो दूसरे का ही होता है, दूसरे का स्पर्म होता है तो हम दूसरे का क्यों लें, या फिर दूसरे का ओवम होता है तो हम दूसरे का क्यों लें, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस कंडीशन में हम दूसरे का लेते हैं, तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपका ओवम जो है सक्षम नहीं है, काम नहीं है, या फिर स्पर्म काम का नहीं है, वहां पे डॉक्टर आपको सब कुछ बता देती है कि हम डोनर का ले रहे हैं, तो वो चीज आपको बताई जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताई जाती है। तो IVF कराएं, टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर कराएं, अगर इनफर्टिलिटी है आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो ज्यादा समय तक परेशान ना हो, बेस्ट ऑप्शन यही है IVF ले लें या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं तो उसका प्लान कर लें समय रहते ही, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि काफी एज निकल जाती है उसके बाद करते हैं तो उस पर भी काफी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बाद में शरीर में कमजोरी आना, बहुत सारी डिलीवरी के बाद बच्चे में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, मदर में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो समय रहते ही एक एज के रहते ही अगर डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि भाई नहीं हो सकता तो आप जरूर इसका जो है फायदा उठाइए, वो
सो यही था आज का वीडियो, होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले और उनको थोड़ा सोचने में उनको भी हेल्प मिले कि भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, ऑल पे क्लिक करें ताकि जो भी हम आगे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं।